Hello students, myself Lekh Narwal. Today in this part of chapter 6, we will discussing about the blood vessel. Let's start our topic. Blood vessels are also called as the tubes. तो ये tubes ही होती हैं एक तरह की, जो blood को carry करने का काम करती हैं, एक part से दूसरे part में पहुँचाने में help करती हैं. सबसे पहले इसमें arteries के बारे में, तो दो types की होती हैं blood vessel, arteries और veins. अब इनके बारे में detail में करेंगे. Arteries are the vessel which carry blood away from the heart to various organ of the body. तो arteries जो है vessels होती हैं जो carry करती हैं blood को away from the heart to various organ of the body. तो different organ जो होते हैं बॉडी के, वहां तक ये जो है ब्लड को पहुंचाने में हेल्प करती हैं. हर्ट से लेके जो है कहां तक पहुंचाएंगी, डिफरेंट ऑर्गन्स तक और टिश्यू तक ये ब्लड को पहुंचाएंगी. ऑर्गन्स तक, हर्ट से ऑर्गन तक ब्लड को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है. सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हर्ट अंडर हाई प्रेशर, तो जो ब्लड होता है हर्ट से जो है वो हाई प्रेशर के द्वारा जो है इमर्ज किया जाता है, भेजा जाता है. द आर्टरीज हैव थिक वॉल, इसलिए जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है, ताकि जो है वॉल को जो है नुकसान ना हो, वो फट ना जाए या कोई प्रॉब्लम उनमें ना आ जाए, इसलिए वो जो है थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं ताकि वो उस प्रेशर को झेल सकें. वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन, अब सेकंड आ गया इसमें वेन्स के बारे में. तो वेन जो है कलेक्ट करती हैं ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से जो है, और ब्रिंग बैक टू द हर्ट, और हर्ट तक वापस लेके आती हैं. तो ये आर्टरीज का उल्टा है, मतलब जो आर्टरीज थी वो हर्ट से लेके जो है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन और टिश्यू तक जो है ब्लड को पहुंचाती थी आर्टरीज. अब जो वेन्स हैं वो क्या कर रही हैं, वेन्स जो है ये टिश्यू से जो है ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक वापस लेके आती हैं. तो मतलब टिश्यू से जो है जितने भी टिश्यू हैं सेल्स हैं वहाँ से कलेक्ट करेगी ब्लड को और वापस हार्ट तक पहुँचाती हैं. तो ये इनमें डिफरेंस आ गया, बेसिक डिफरेंस इनमें. दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, तो उनको जो थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनमें जो है ब्लड का जो है प्रेशर प्रेजेंट नहीं होता है. जो है वेन्स जब टिश्यू से जो है ब्लड वो कलेक्ट करती हैं तो उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है, इस कारण से इनको थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होते हैं. इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट एंश्योर द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, लेकिन इनमें जो है क्या होते हैं वॉल्स लगे होते हैं ताकि वो जो है इंश्योर कर सकें ब्लड के फ्लो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर. ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल, जब जो है ये पहुँचता है किसी ऑर्गन में या टिश्यू में जो है ब्लड आर्टरीज के द्वारा, तो आर्टरीज जो है फर्दर डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर और स्मॉलर वेसल्स के अंदर. मान लो ये कोई आर्टरी है तो आगे जाके फर्दर ये जो स्मॉलर और ज़्यादा स्मॉलर जो है ट्यूब्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाती हैं. इस तरीके से ये बहुत ही स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब्स बन जाती हैं, और ये स्मॉलर ट्यूब्स जो है एंश्योर करती हैं कि ब्लड जो है हर एक सेल तक जो है पहुँच सके. तो इस तरीके से ये जो है स्मॉलर ट्यूब्स बन गई आगे फर्दर, तो ये आर्टरीज डिवाइड हो गई स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स के अंदर. आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं. ब्रिंग टू ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल, तो ये स्मॉलर वेसल्स क्या करेंगी ताकि ब्लड जो है कॉन्टैक्ट में आ पाए सभी जो है इंडिविजुअल सेल के, जितने भी सेल्स हैं टिश्यू के अंदर या जितने भी किसी ऑर्गन के अंदर टिश्यू और सेल्स हैं उन तक जो है ब्लड की सप्लाई पहुंच सके, तो ये उसको इंश्योर करता है. द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक, तो स्मॉलेस्ट जो वेसल होती है उसकी वॉल जो है वन सेल थिक रहती हैं. तो स्मॉलेस्ट वेसल की वॉल वन सेल थिक होती है, जिसको कैपिलरी नाम दिया जाता है. तो ये कैपिलरीज बनती हैं आगे जो है आर्टरी से, जो छोटी और डिवाइड सब डिवाइड होती जाती हैं आर्टरीज आगे जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, तो उनको कैपिलरीज बोला जाता है. तो ये वन सेल थिक वॉल होती है इनकी. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड दी सराउंडिंग कैन टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल, तो जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में, ब्लड और सराउंडिंग जो सेल्स हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का, वो किसके थ्रू होता है, थिन वॉल्स के थ्रू होता है. द कैपिलरीज देन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म वेन्स, तो कैपिलरीज जो है ज्वाइन होकर एक दूसरे के साथ, ये कैपिलरीज जो है ज्वाइन हो जाती हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं. दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, फिर ये जो ब्लड को जो है लेके जाती हैं जो है ऑर्गन और टिश्यू से कलेक्ट करेंगी ब्लड को और दोबारा जो है हर्ट तक पहुंचाती हैं. तो ये है वेन्स का काम. फिर तो इसमें हमने वेन्स और आर्टरीज के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिया. तो आर्टरीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, आर्टरीज थिक होती हैं,
और जो वेन्स होती हैं वो थिन होती हैं। आर्टरीज में हाई प्रेशर रहेगा, ब्लड का हाई प्रेशर, और इसमें जो है वेन्स में लो रहेगा जो है ब्लड का प्रेशर। और ये जो है टिश्यू से कलेक्ट, ये जो है हार्ट से जो है पहुंचाएंगे टिश्यू तक, जो है हार्ट से टिश्यू तक जो है ब्लड को पहुंचाती हैं आर्टरीज, जबकि जो वेन्स हैं वो टिश्यू से हार्ट तक वापस लेके आती हैं ब्लड को। इस तरीके से ये बेसिक जो है डिफरेंस भी साथ साथ में इनका जो है इसके थ्रू हमने समझ लिया। अब आगे है इसमें मेंटेनेंस ऑफ द प्लेटलेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लास में भी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा है। व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप ए लीक, अगर ये जो सिस्टम है ट्यूब्स का, वेसल ब्लड वेसल्स का, इनमें कोई लीकेज अगर क्रिएट हो जाती है तो क्या होगा। थिंक अबाउट दिस सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, तो ये सभी के साथ कॉमन होता है बचपन में या बड़े होकर भी कि इंजरी हो जाती है किसी न किसी कारण से और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचना जब आपको इंजरी हुई हो और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज, तो नेचुरली जो बॉडी के अंदर सिस्टम होता है उसके कारण जो जो लॉस होता है ब्लड का वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाता है। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू ए लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग ऑर्गन, तो अब ये बोला गया है कि लीकेज के कारण जो है प्रेशर लॉस हो जाता है, जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि लीकेज के कारण जो एफिशिएंसी होती है पंपिंग ऑर्गन की वो भी इफेक्ट हो जाती है, तो पंपिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल, तो ब्लड के अंदर जो है प्लेटलेट सेल्स होते हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, और ये प्लेटलेट सेल जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सर्कुलेट होते रहते हैं ब्लड के साथ जो है पूरी बॉडी के अंदर। एंड प्लग दीज लीक्स बाई हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, तो ये जो है ब्लड के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं और सर्कुलेट होते रहते हैं ब्लड के साथ जो है पूरी बॉडी के अंदर, जहां पर इसको लीकेज ब्लड जो है दिखाई देती है तो मतलब महसूस होती है, तो वहां पर ये एकदम से जो है क्लॉट क्रिएट कर देता है और जो है जो इंजरी के कारण जो लीकेज हो रही है उसको ये स्टॉप कर देता है। इसलिए प्लेटलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंजरी को स्टॉप करने के लिए और क्लॉटिंग ये यूज करता है इंजर्ड पार्ट के अंदर, इस तरीके से ये काम करता है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर जो है लिम्फ के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक आ गया लिम्फ, इसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे हम। यह है हमारा टॉपिक लिम्फ। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूड आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, तो एक और टाइप का फ्लूड होता है बॉडी के अंदर हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है वो है लिम्फ। तो ये क्या है, एक फ्लूड है अनदर टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी के अंदर। दिस इज कॉल्ड लिम्फ फॉर टिश्यू, तो उसको नाम दिया गया है लिम्फ फॉर टिश्यू फ्लूड भी इसको बोला जाता है, तो लिम्फ का ही नाम है टिश्यू फ्लूड, नाम से पता चल रहा है। दूसरा जो नाम है इसका टिश्यू फ्लूड, कि टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होने वाले फ्लूड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं या टिश्यू फ्लूड बोलते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इन टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म टिश्यू फ्लूड और लिम्फ। अब ये बात की गई थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, तो कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज की वॉल में, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, तो कुछ अमाउंट जो है प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स का वो एस्केप हो जाता है इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द टिश्यू, तो मतलब प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल का कुछ अमाउंट जो है एस्केप हो जाएगा जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं टिश्यू के, तो टिश्यू के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उनके अंदर चला जाता है टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, तो ये बनाता है टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ फिर, तो मतलब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल का कुछ पार्ट जो एस्केप हो रहा है टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, तो वो बना रहा है टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ को वो फॉर्म करता है। तो ये लिम्फ किसका बना होता है, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स का। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, तो ये जो है सिमिलर होता है जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसकी तरह ही ये सिमिलर रहेगा, बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, लेकिन ये कलरलेस होता है और इसमें बहुत ही कम अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, जबकि जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है वो कलर्ड होता है और उसके अंदर हाई अमाउंट में जो प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो लिम्फ है जिसको हमने लिम्फ बोला या टिश्यू फ्लूइड बोला,
तो ये जो है होता प्लाज्मा की तरह ही है, ब्लड के प्लाज्मा की तरह, लेकिन ये कलरलेस होता है और इसमें बहुत कम अमाउंट में जो है प्रोटीन पाया जाता है। लिम्फ ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। तो लिम्फ जो है ड्रेन करेगा इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरी, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उनके अंदर ये ड्रेन करता है फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो किससे ये जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस से जो है ये ड्रेन करेगा। विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, तो ये जो है फिर जो है लार्ज लिम्फ वेसल्स को फॉर्म करता है, दैट फाइनली ओपन इन टू ए लार्ज वेन, और ये फिर सारे जो है लार्ज वेन के साथ जो है कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर ओपन होते हैं ये जितने भी जो है ट्यूब्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो ये सारी जो है किसको फॉर्म करती हैं, एक लार्ज वेन जो होती हैं वहाँ पर ये ओपन होती हैं। तो मतलब बहुत सारी छोटी छोटी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो फॉर्म हुई होती हैं, और किसके साथ, एक जो है वेन के साथ, जो लार्ज वेन होती है उसके साथ ये कनेक्ट होती हैं लिम्फ वेसल्स। आगे इसमें बताया गया है लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो लिम्फ जो है कैरी करता है डाइजेस्टिव और अब्जॉर्ब फैट को जो है इंटेस्टाइन से। तो इंटेस्टाइन में जितनी भी डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब फैट होती है उसको ये कैरी करता है लिम्फ, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है, एक्सेस फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर पाया जाता है, उसको ये ड्रेन करेगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर डाल देगा। तो लिम्फ का काम है कि वो जितनी भी डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब फैट है इंटेस्टाइन से, तो उसको ये कैरी करेगा और ड्रेन करेगा एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जो है जितना भी एक्सेस फ्लूइड है उसको दोबारा से ड्रेन करेगा ब्लड के अंदर। तो ये इसका काम रहता है। तो मतलब एक तो कैरी करेगा डाइजेस्टेड और ऑब्जर्व फैट को इंटेस्टाइन से, दूसरा ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है उसको ये ड्रेन करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जो है ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से अपना काम करता है। इस वीडियो में इतना ही है। आज हमने जो है इस वीडियो के अंदर किया ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसमें हमने आर्टरीज और वेन के बारे में पढ़ा, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जो मेंटेनेंस का प्रोसीजर है उसके बारे में पढ़ा, लिम्फ के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।